नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स भाई आरुषी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से अपने बगान में आ गई हूँ। चलिए देखते हैं कि आज मैं अपने बगान से कौन सा प्लांट लेके जाएंगी और उसकी क्या रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आइए आ जाइए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, आज मैं ये प्लांट लेके जाऊंगी। ये देखिए, आज मैं इस प्लांट से एक रेसिपी बनाऊंगी। आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, फिर भी मैं बता दूं कि हम लोग इसे ओल का पेड़ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एलिफेंट फूड बोला जाता है। एक बार देख लीजिए, ओल इसके नीचे होता है। हम इसके ऊपर वाले पार्ट को काट के इसकी आज रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है। अब इसके पत्ते को मैं साइड कर लेती हूँ, हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। इसका मैं रेसिपी बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं किचन में। किचन में जाने से पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। हमें ये पत्ते नहीं चाहिए, इन्हें काट करके हम साइड कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन चाहिए। चलिए अब इसकी रेसिपी बनाते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको कट कर लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में पहले कट कर ले। कट कर लेने के बाद से इसकी इस तरीके से छिलके हमें निकाल लेने होंगे। तो क्या कर रही हूँ, मैं सभी के छिलके निकाल ले रही हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सभी के छिलके निकाल के एक बोल में रख लिया है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करके, बीच में से कट करके और इस तरीके से टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी को काट के रख लिया है। अब चलिए, हमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी मैंने कर लिया है, उसमें हमें हल्का सा नमक डाल के फिर इसको डाल देना है और इसको उबालना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि ये गले में ना लगे, ये गले में थोड़ा लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें नमक डाल के इसको उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद से इसका पानी हम फेंक देंगे। यहाँ पे हमें हल्का मसाला चाहिए, क्या वो देख लीजिए। हमें चाहिए 1 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच पीली सरसों और 3-4 हरी मिर्च। हमें मसाले में सब यही यूज करना है। चलिए अब गैस के पास चलते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें फोरन देना है। फोरन में हम हल्का सा 5 फोरन यूज करेंगे। 5 फोरन डालने के बाद से हम क्या करेंगे, 5 फोरन जब चटकने लगेगा तो इसमें एक आलू को बारीक काट के डाल लेंगे। आप भी आलू का यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को बारीक काट लिया है। आलू को डाल देने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। थोड़ी देर बाद खोल के इसको देखेंगे। ये देखिए, 50% ये कुक हो चुका रहेगा। अब इसमें हमें मसाले यूज करने हैं, जो मसाले हमने तैयार करके साइड में रखे हैं। यहाँ पर मैं 1 ही चम्मच मसाला ले रही हूँ क्योंकि आलू थोड़ा है। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया। मसाला डाल देने के बाद से हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी ले लें ताकि ये और जल्दी पक जाए। नमक और हल्दी डालने के बाद से हम इसे और अच्छे से पकाएंगे और पका लेने के बाद से इसमें हम 4-5 हरी मिर्च डाल दें। इससे क्या होता है कि टेस्ट और ज़्यादा आने लगता है हरी मिर्च डालने से। तो यहाँ पर मैंने सभी को डाल दिया है। थोड़ी देर पका लेने के बाद से इसमें हम क्या करेंगे, ओल के डंठल को इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इनको छान के रख लिया था जिसके कारण इसका सारा पानी निकल चुका है। अब ओल के डंठल डालने के बाद से हम इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें हम एक चीज़ और यूज करेंगे, क्या, इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ताकि ये और भी अगर गले में लगे तो ना लगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा नींबू का रस डाल दिया है, आप भी ज़रूर से ज़रूर यूज करें। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अब चलिए, इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको ढक देते हैं ताकि आलू जो है अच्छे से कुक हो जाए। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी देर बाद हम इसे खोल के देखेंगे, हमारी रेसिपी बिल्कुल से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें थोड़ा सा चीनी चाहिए, चीनी से स्वाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, आप भी चीनी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये रही हमारी डिलीशियस सी ओल की सब्ज़ी, बन के रेडी हो चुकी है, ओल के डंठल की सब्ज़ी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये ओल के डंठल की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। तो
अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर इसको निकाल दिया, ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।